नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम रक्षाबंधन स्पेशल नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रक्षाबंधन भाई बहन के आपसी प्रेम का त्योहार है। इस दिन बहनें भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। भद्रा होने की वजह से रक्षाबंधन इस बार विशेष है। इन्हीं सारी ज्योतिष गणनाओं को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन किस प्रकार से मनाएं और किन किन बातों को रक्षाबंधन पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो गुरु जी, भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को बहुत ही शुभकामनाएं रक्षाबंधन के बहुत ही शुभ पर्व पे। ये बहनों और भाइयों के अटूट प्रेम का एक त्योहार होता है। कभी कभी मुहूर्त को लेके जरूर कुछ ना कुछ इसमें होता है कि कब रहें, कब अच्छा रहें, कब बांधना ठीक है। ये श्रावणी उपकर्म बोला जाता है। श्रावणी उपकर्म का मतलब होता है कि श्रावण मास की पूर्णिमा पे मनाया जाने वाला उपकर्म यानी एक त्यौहार, जो कि 31 अगस्त सुबह 7 बजे तक का मुहूर्त, यानी आज का सुबह 7 बज के लगभग एक्यूरेट अगर बात करें तो 5 मिनट, 7 बज के 5 मिनट का मुहूर्त है। तत्पश्चात अगर पूर्णिमा तिथि की बात करें तो पिछले दिन से भद्रा का प्रभाव जो था वो जैसे ही पूर्णिमा तिथि लगी थी 30 को, वैसे ही भद्रा का प्रभाव रात्रि काल तक व्याप्त था। लेकिन इसमें भी एक भद्रा पक्ष का एक मुहूर्त था जिसमें इस प्रकार का त्यौहार मनाने का एक प्रयोजन हुआ। लेकिन आज चूंकि श्रावणी का पर्व यानी श्रावणी यानी श्रावण मास की पूर्णिमा का पर्व 7 बज के 5 मिनट तक है, इसलिए उदयातिथि का मान मान के आज भी इसको मनाया जा सकता है। और भाई और बहन का अटूट प्यार, बहनें भाइयों के वहां क्यों जाती हैं या भाइयों को राखी क्यों बांधती हैं? ये महज भाई के प्रेम के अलावा वो अपने माता पिता के ऊपर भी उपकार करती हैं। वो कैसे? क्योंकि अगर उनका भाई सशक्त रहेगा, मजबूत रहेगा, धनवान रहेगा, आयु लंबी होगी, तो अपने माँ बाप की बहुत अच्छे से केयर भी कर पाएगा। ये भी बहनों का एक प्रेम का एक त्यौहार है। भाई की रक्षा हेतु भाई से रक्षा बंधवाती हैं, भाई की रक्षा हेतु। आप इस बात को अगर समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि पौराणिक काल से अगर हम बात करें तो बहनें माँ लक्ष्मी का ही रूप है। और माँ लक्ष्मी का रूप कैसे हैं? जैसे माँ लक्ष्मी ने बाली, राजा बाली को राखी बांधी थी, और राजा बाली को राखी बांध के भगवान विष्णु, जो कि राजा बाली के ही महल में रह रहे थे क्योंकि उन्होंने सारे तीनों लोग जीत लिए थे, तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मुझे अगर आप मेरी रक्षा करना चाहते हैं तो आप मेरे पति की रक्षा करिए, यानी मुझे पति को दे दीजिए, यानी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का। तो फिर राजा बाली ने अपनी सारी शक्तियों को भगवान विष्णु के चरणों में रखा, यानी निगेटिविटी और आसुरी शक्ति इनको दूर करने के लिए बहनें राखी बांधती हैं। और भाई की लंबी उम्र और लंबी उम्र के साथ ही उनके धन, वैभव, यश, इन सब का बहुत आशीर्वाद भी मिलता है। तो इसमें आपको बहुत ही उल्लास के साथ त्योहार मनाना चाहिए। तो गुरु जी, हमारी चर्चा को अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास दर्शकों से जुड़े कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। तो मेरा पहला सवाल है कि जैसा कि अभी आपने कहा कि आज सुबह 7 बज के 5 मिनट के बाद कोई मुहूर्त नहीं है, ऐसा बिना कोई हानि के बाद रक्षाबंधन कैसे मनाना चाहिए, इस पर मैं आपसे जानना चाहूंगी। बहुत ही श्वेता जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि 7 बज के 5 मिनट के बाद अगर हम बात करें तो 7 बज के 5 मिनट के बाद मुहूर्त हमारे पास इसलिए भी नहीं बचता है क्योंकि 7 बज के 5 मिनट के बाद तो भाद्रपद लग जाएगा। अब भाद्रपद ये श्रावणी उपकर्म है जैसा मैंने पहले बताया, तो श्रावणी उपकर्म यानी कि श्रावण की पूर्णिमा तक कर लीजिए, पूर्णिमा लगी ही 7 बज के 5 मिनट तक है। उसके बाद अगर उदयातिथि मान के कोई मना रहा है तो थोड़ा सा हानि से बचने के लिए, देखिए भद्रा तो एक बात है और भाद्रपद मास की
रक्षाबंधन मनाना ये दूसरी बात है। इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ उपाय, कुछ ना कुछ ज़रूर दान इत्यादि ज़रूर कर लेने का विधान रखना चाहिए। भले ही छोटा द्रव्य ही दे दें, वो उससे आपकी हानि काफ़ी हद तक टल जाएगी। हानि का मतलब ये नहीं कि कोई भारी भरकम हानि, लेकिन भाद्रपद का चूंकि ये कर्म नहीं है, इसलिए भाद्रपद 7:05 के बाद लगने के बाद इस कर्म को करने के लिए थोड़ा सा एक सावधानी यदि बरत ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुरु जी, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सभी 12 राशियों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे भद्रा का प्रकोप जो है वो उनके ऊपर ना पड़े। बहुत अच्छी बात है। 12 राशियों की जहाँ तक बात है, उसमें अगर बहनों को अपने भाई की राशि मालूम है तो भी, नहीं तो उनके नाम की राशि, ये भी अगर आपकी राशि चंद्र नहीं मालूम है तो भी आप ले सकते हैं। और उसमें अलग अलग प्रकार से आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपने 7:05 आज मना लिया या पहले भद्रा पे मना चुके थे, तो दोनों के ही निगेटिविटी को काटने के लिए जैसे कुछ हमने कलर का सुझाव भी देते हैं कि इस कलर की राखी बांधने से भी सावधानियां हो जाती हैं, और वो भी एक तरह से सावधानियों का ही प्रतीक है। जैसे बुध की राशि वाले होते हैं, मिथुन और कन्या, इनको चांदी की या चांदी के कलर की राखी बहुत सूट कर जाएगी। इसी तरीके से मेष राशि और वृश्चिक राशि मंगल की राशि होती है, इसमें लाल या वो गोल्डन कलर आपको यूज़ कर लेना चाहिए। साथ के साथ थोड़ा सा गुलाल भी लगा देना चाहिए भाई को, ये एक और एक तरह की सावधानी भी हो जाएगी। और अलावा इसके अगर कर्क राशि है तो श्वेत मिठाई का प्रयोग कर लेने से काफ़ी हद तक, दूध की बनी मिठाई का काफ़ी हद तक सावधानी हो जाती है। छोटे छोटे उपाय हैं, ये देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, वही वाली बात होती है। सिंह राशि की जहाँ तक अगर हम बात करते हैं तो सिंह राशि वालों को भी इस प्रकार से गोल्डन राखी पहन लेनी चाहिए। फिर बचती है कुंभ राशि और मकर राशि। कुंभ और मकर राशि के साथ साथ धनु और मीन राशि वालों को भी पीला, और कुंभ और मकर राशि वालों को गाढ़ा नीले कलर की राशियों का प्रयोग करने से सावधानी हो जाती है। और बहनों को एक द्रव के साथ साथ कोई वस्त्र भी अगर दे सके तो जरूर अच्छा रहेगा। तो गुरु जी, मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि एक तो रक्षाबंधन की पूजन विधि क्या होनी चाहिए, साथ ही जो आपने 12 राशियों के बारे में बताया जी, इनको क्या उपाय करने चाहिए जिससे भद्रा का प्रकोप इनके ऊपर ना पड़े। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले तो जो भी आप रक्षाबंधन के जो रक्षा सूत्र बांध रहे हैं तो उसमें सबसे पहले बात आती है उपाय की। और अगर उपाय हम आप कर रहे हैं तो उपाय सारी ही राशि वालों के लिए, एक क्या मैं दो उपाय बता दे रहा हूं, उन दोनों में से कोई भी एक कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे आपके ऊपर प्रकोप नहीं पड़ेगा। एक बात तो ये है कि जितनी भी सम राशियां हैं, सम राशियां मतलब जैसे वृषभ हो गई, कर्क हो गई, यानी 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इन राशि वालों को नारियल का भेंट जरूर देना चाहिए अपने बहन को, या किसी धर्म स्थान पर रख देना चाहिए, एक बात। और जो विषम राशियां हैं जैसे 1, 3, 5, जैसे मेष, मिथुन और सिंह इत्यादि, इनको क्या करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बहनों को राखी बांधने से पहले एक रक्षा सूत्र रख देना चाहिए, जिससे कि एक ये उपाय भी हो जाएगा और इस उपाय के साथ साथ इनका एक त्यौहार का उल्लास भी अच्छा रहेगा। धनम वृद्धि, आयुम वृद्धि, आरोग्यम वृद्धि, ये सब हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि बहनें यदि अपने भाई की रक्षा करती हैं तो बहन केवल भाई की ही रक्षा नहीं कर रही है, पूरे अपने कुल की रक्षा कर रही है। तो इस लिहाज से आप अगर मान लीजिए भाद्रपद में भी, यानी 7:05 के बाद भी कर रहे हैं, तो यही सब आप उपाय करके आप उसको आगे मना सकते हैं। तो गुरु जी, जैसे कि 2 दिन से हम नक्षत्र में बात कर रहे हैं कि भद्रा है इस बार के रक्षाबंधन पर, तो अगर किसी ने, जैसे मान लीजिए किसी ने भद्रा के टाइम पे ही राखी बांध दी, तो उसको क्या उपाय करना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल। वैसे तो मैं बताऊं आपको, सभी दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि भद्रा दोष का परिहार जो मैंने बताया, तो भद्रा दोष का जो परिहार होता है वो यही होता है कि या तो आप भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में राखी रख दें और दूसरी राखी अपने भाई के बांध दें, और शनि देव को प्रणाम करके, भद्रा माई को प्रणाम करके, सूर्य देव को जल इत्यादि दे के तब भी आप ये कर सकते हैं। या अगर आप ऑलरेडी राखी बांध चुके हैं उसका परिहार करना है तो नेक्स्ट डे सूर्योदय के समय जल अवश्य दे दें सूर्य देव को, भद्रा माई को और शनि देव को याद करके भी
आप राखी बांध सकते हैं, तो ये एक परिहार भी हो जाएगा। साथ के साथ ये जरूर है, सफ़ेद काले तिल मिला के जो भी राखी बांध चुका है वो स्नान अवश्य कर ले, इससे भी भद्रा दोष का काफ़ी हद तक परिहार देखा गया है। तो ये शास्त्रोक्त कुछ विधियाँ हैं और बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो हमारा त्यौहार भी मनवा देंगे और कोई बड़ा कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। तो आज आपने जाना कि इस बार का रक्षाबंधन क्यों खास है, और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 800-403-6524 पर। ये गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट मैसेज कर अपने और सारे सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। तो आज के रक्षाबंधन स्पेशल नक्षत्र में बस इतना ही, कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।